की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि भगवान श्री विष्णु की नगरी गया जी के मानपुर पटवा टोली दुर्गा मंदिर से तेजी से बढ़ रहे ईसाई धर्मांतरण। इसके विरोध में धर्म रक्षा मंच एवं गया के समस्त हिंदू संगठन के द्वारा मानपुर से हिंदुओं के ईसाई धर्म गुरुओं के द्वारा हो रहे अवैध धर्मांतरण के विरुद्ध विशाल विरोध प्रदर्शन मानपुर पटवा टोली से सिक्स लेन पुल तक निकाला गया, जिसमें सैकड़ों हिंदुओं ने ईसाई लोगों के द्वारा हिंदुओं को पैसा का लोभ देकर नौकरी दिलवाने के नाम पर एवं बीमारी ठीक करने के नाम पर ईसाई मशीनरी के द्वारा धर्मांतरण करवाया जा रहा है। मानपुर के अलीपुर पटवा टोली मोहल्ला टोली जनकपुर अबगिल्ला भूसुंडा बौद्ध गया विष्णुपद इत्यादि जगहों पर ईसाई धर्मांतरण का केंद्र बनाकर धर्मांतरण का कार्य जोर शोर से चल रहा है। इसमें प्रतीक वर्मा, अमर शेखर, नीरज त्रिपाठी, सीकू मुन्ना वर्मा, राहुल साहनी, दीपक स्वर्णकार, अमरनाथ दुखंड पटवा, सुशील पाठक, आमोद पटवा, जयप्रकाश आदि शामिल रहे। भारतीय परंपरा सनातन धर्म जो है, सबसे पहले ये समझना कि सनातन धर्म है क्या। सनातन धर्म एक विशाल समुद्र है जिसके अंतर्गत ये सारे जितने भी अलग अलग धर्म आप जो समझते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन, ये सभी सनातन धर्म के अंतर्गत ही आते हैं, कोई अलग नहीं है। और प्राचीन इतिहास आप देखिएगा तो जीसस क्राइस्ट जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के प्रधान देवता जो कहलाता है, वो भी सनातन धर्म का कभी अन्याय हुआ करते थे। बहुत प्राचीन धर्म ग्रंथ में इसकी जिक्र और चर्चा होती है। आज के परिवेश में जब से यमन मुगल ब्रिटिश भारत में आके आक्रमण करके अपनी दुगली नीति से भारतीयों को, क्योंकि भारतीय शुरू से ही अति संवेदनशील रहे, तो इन्हें किसी भी वर्ग विषय में समझाना जो है बड़ा आसान लगता है। तो कुछ भोले भाले लोग, क्योंकि बड़ा सीधा साधा लोग हैं, बहुत प्राचीन धर्म से ही, वहाँ सभी के पूर्वज जो थे वो सब सनातनी ही थे। कोई हिंदू ले लीजिए, मुस्लिम के कोई ले लीजिए, सभी के पूर्वज सनातनी थे। आज भी कई मुस्लिम वर्ग के लोग, क्रिश्चियन वर्ग के लोग अपने धर्म में अपने देवता का पूजा करते ही हैं, उनका परिपालन करते ही हैं। तो ये सामान्य हम सभी सनातनियों को समझना होगा कि किसी चंद मूर्खों के बहकावे में आकर के कि इस तरीके का रोग ठीक हो जाएगा या हमारे धर्म में आप आइएगा तो आपकी सभी पीड़ा दूर हो जाएगी। मैं अपने जीवन में कई ऐसे क्रिश्चियन कम्युनिटी के कार्यक्रम में भाग लिया हूँ जहाँ देखा हूँ कि किस तरीके का ये अंधविश्वास फैलाते हैं, किस तरीके का ये कुछ ऐसे ही पानी छींट करके कि एक प्रकार का होली वाटर है और इस जल को आपको छींटेंगे आपका सभी रोग दूर हो जाएगा। इस जागरूक यात्रा से यदि धर्म परिवर्तन लगातार चलते ही रहेंगे तो फिर अगला स्टेप आपका क्या रहेगा? देखिए, सामान्य तौर पे ये आज जागरूक यात्रा हम सभी गयावासी और इस आपके चैनल के माध्यम से जो जो लोग देख रहे हैं उन्हें सिर्फ ये बताना है कि आप जिस भी इस प्रकार के क्रिश्चियनिटी में या अन्य धर्मों में के प्रति विश्वास करके अपना सनातन धर्म का त्याग करते जा रहे हैं, आगे आने वाले आपके वंशज जो हैं वो सब भारतीय नहीं रहेंगे, उन सब में कोई सनातन संस्कृति नहीं रहेगी, किसी का उद्धार नहीं हो पाएगा, कोई भी अपने जीवन में अपने क्षेत्रों का नाम नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये वास्तविकता है, लोगों को अपना जानना है कि सनातन क्या है, सनातन संस्कृति में क्या है। लोग आज कई लोग अब फॉरेन कंट्री के लोग रहे, वो लोग वेजिटेरियन बन रहे हैं और वो लोग भारतीय आकर के हमारे शिव है, हमारे विष्णु आने के, गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जाइए, ऋषिकेश जाइए, तीर्थ में इतने विदेशी लोग वहाँ पड़े हुए। किसी भी ऐसे धर्म गुरु को विश्वास करने की जरूरत नहीं है, स्वयं की शक्ति पहचाने। पंडित राजा आचार्य विष्णुपद की यह यात्रा जो है गया के मानपुर से, जो हमारे अंतज भाई, जो हमारे भाई हैं, वो किसी के बहकावे में आकर किसी षड्यंत्र के कारण जो हमारे धर्म से विमुख हो रहे हैं, यह यात्रा उनकी चेतना को जगाने के लिए है, यह यात्रा उन्हें वापस गले लगाने के लिए है। और जिस तरह से धर्मांधता और पाखंड इन ईसाई मिशनरियों के द्वारा या ऐसे लोगों के द्वारा प्रचारित किया जा रहा है कि पिता परमेश्वर और हालेलुया इन सब का पूजा करने से, प्रार्थना करने से हमारी शारीरिक पीड़ाएँ चली जाती हैं या ऐसा कुछ हो जाता है, तो भाई अभी कोरोना महामारी आया, सारी दुनिया ने देखी है कि जब यह महामारी आया तो इटली के लोग सबसे ज़्यादा मरने लगे, वहाँ 100% सारे के सारे ईसाई हैं। और
जो हमारे यहाँ बैन दवाई थी जिसका कोई मतलब नहीं था, अंततः उन दवाओं के बदौलत भी बहुत से कोरोना महामारी पर काबू पाया गया और अंत में काम को विज्ञान ही आया। जब वैक्सीन बनी और सभी को पड़ा, हम लोग इस महामारी से गुजर पाए। तो जहाँ 100% ईसाई आबादी है वहाँ लोग महामारी से मर रहे हैं, वहाँ भी सब कुछ हो रहा है, तो कौन यह बहका रहा है हमारे लोगों को कि इनकी प्रार्थना करने से हमारी बीमारियाँ ठीक हो जाएगी, इनकी प्रार्थना करने से हम रोजगार को उपलब्ध हो जाएंगे। इसके लिए मेहनत करनी होती है, इसके लिए परिश्रम करना होता है। और जो ईसाई देश हैं वह ऐसा कभी नहीं करते, जो रियल ईसाई है वह तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हाँ हमारी पूजा करो, हमारी प्रार्थना करो, आपकी पीड़ाएं ठीक हो जाएगी। ये जो फंडिंग के बदौलत जो ईसाई मिशनरी के प्रचारक बने फिर रहे हैं, जो अंततः ईसाई मिशनरी भी, ईसाई भी नहीं है वह पूरे ईसाई भी नहीं है, वह दो रंगे लोग हैं, वह न हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न ईसाई हैं, वह सिर्फ फंडिंग पर पलने वाले कुछ लोग हैं जिनका मतलब पैसों से धर्मांतरण करना होता है और पाखंड को बढ़ाकर झूठ का व्यापार खड़ा करना होता है कि आप ये करिए आपको ये हो जाएगा। तो ये पाखंडवाद के विरोध तो हम लोग सब करते हैं। अगर हमारे हिंदू धर्म में भी कोई ओझा गुनी इस तरह का कुछ काम करता हो जो पाखंड को बढ़ाता हो, उसका भी विरोध है, उसका भी हम लोग सदा विरोध करते रहे हैं। सनातन संस्कृति पाखंडवाद को नहीं बढ़ाती, सनातन संस्कृति हमेशा ही पाखंडवाद का विरोध में रही है, हमेशा इसका निरादर करी है, वो की है। तो हम उन सबको कहना चाहते हैं इस यात्रा में जो सम्मिलित हुए, हम लोग का उद्देश्य यही है कि जो हमारे अंतज भाई जिनका दिमाग ब्रेन वॉश करके उन्हें किसी तरह से षड्यंत्र के तहत गलत रास्तों पर ले जा रहा है, हम उनकी आंखें खोलेंगे, हम उनको गले लगाएंगे और वापस अपने धर्म में लाएंगे। देश धर्मो समाजता। मैं श्याम विट्ठल, हिंदू युवा शक्ति, गया से। मतलब पटवा टोली में, अलीपुर में, मानपुर में, मलहटोली हो गया, उसके बाद नौरंगा, मतलब आप कह सकते हैं कि पूरे गया में। और ईसाई लोग जो है भोले भाले गरीब हिंदुओं का ब्रेन वॉश कर करके उसको बीमारी ठीक कर देगा। आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर बीमारी ठीक करता है वो भी जानता है, लेकिन फिर भी ये बात बोल करके कि हम बीमारी तुम्हारा ठीक कर देंगे, और ऐसा बोल कर करके भोले भाले हिंदुओं को बरगला कर करके ईसाई बनाया जा रहा है। कुछ लोग जो बीमारी के नाम से नहीं है उनको पैसा दे करके, मतलब तरह तरह का प्रबलन, नौकरी दिलवा देंगे तो आपका व्यापार बढ़ा देंगे, ऐसा सब बोल बोल कर करके पूरे गया में, ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में सभी जगह पे ईसाई धर्मांतरण का कार्य खूब जम करके चल रहा है। धर्म परमेतर किया जा रहा है। हाँ, और धर्मांतरण होकर के आज स्थिति ये हो चुका है कि आप हर गली मोहल्ले में एक एक ईसाई को देखेंगे। हिंदू समाज सोया हुआ है, इसके चलते ये सब समस्या आया, नहीं तो हमारे यहाँ समस्या नहीं थी। अब जाकर करके हिंदू समाज जागृत हुआ है, उठ करके खड़ा हुआ है और ये सोचा है कि नहीं, अब हम इस चीज़ को रोकेंगे, हम अपने भाइयों को अपने से अलग नहीं होने देंगे। और ऐसा सोच कर करके आज जो है गया के सारा हिंदू संगठन, जितना भी हिंदू संगठन है, सभी कोई मिल कर करके और हम लोग जो है समाज को जगाने के लिए एक पद यात्रा जो है यहाँ मानपुर से लेकर करके और सिक्स लेन पुल तक हम लोग ने करने का सोचा है। रोकने का आपका प्रक्रिया किस तरीके से रहेगा? रोकने का हमारा जो प्रक्रिया है वो ऐसे रहेगा कि अभी तो हम लोग पद यात्रा कर करके समाज को जगाएंगे, उसके बाद हम लोग ज्ञापन देंगे सभी लोगों को, वो चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्रालय हो, मुख्यमंत्री हो, यहाँ के DM हो, यहाँ तक कि लोकल थाना और BDO तक को हम लोग देंगे। देने के बाद जो हमारे अपने लोग हैं, जो हमारा भाई बिछड़ गया है धर्म गलती से हम लोगों के न जाने के चलते, उन लोगों से हम लोग जा करके मिलेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि भाई जो है ये गलत चीज़ है, कोई बीमारी आपका ठीक नहीं कर देगा कोई ईसा मसीह, आपको डॉक्टर के यहाँ ही जाना पड़ेगा, नौकरी लेना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और पैसा कमाना है तो आपको व्यापार करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। जो धर्म परिवर्तन कर लिए हैं उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उनको हम लोग मनाएंगे, उनको हम लोग मना करके उनसे आग्रह करेंगे कि आप जो हम लोगों के न जाने के चलते आप लोग जो बिछड़ गए हैं वो वापस आइए और हम लोग के फिर से पुनः सनातन धर्म में कीजिए, क्योंकि सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है पूरे विश्व में। आज पूरा विश्व का आदमी हम लोग से ज्ञान लेने आता है, ये हमारा गया मोक्ष का धरती, आप सोचिए पूरे विश्व से लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए आते हैं, ज्ञान की धरती बोध गया, वहाँ पे लोग पूरे विश्व से ज्ञान प्राप्त करने आते हैं और हमारे यहाँ के लोग ईसाई बन जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा है। तो हम लोग उन लोगों से मिलेंगे, समझाएंगे, मनाएंगे और प्रशासन से भी बात करेंगे, जैसे भी हो वैसे करेंगे। मेरा नाम नीरज त्रिपाठी है और हम यहीं पे जनकपुर के रहने वाले हैं और एक हिंदू समाज सेवक हैं, हिंदू जागरण का